नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों हो जाइए सावधान, अगले 3 दिनों में 3 चीजों से मुंह मोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन यही हकीकत है। दोस्तों, जो मजाक समझने की गलती करेगा वो जिंदगी भर पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सितारों का बदलता प्रभाव आपके जीवन में कई प्रकार के प्रभाव डालने वाले हैं और कई चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान। आज की वीडियो के अंदर कुछ सावधानियां हम आपको बताएंगे, जो कि इन सावधानियों का पालन करके आप होने वाली घटनाओं से बच पाएंगे और आने वाले अगले 3 दिनों को आप शानदार बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना होगा और समय समय पर उन बातों को अपने जीवन काल पर अमल करना होगा। दोस्तों, आपको थोड़ा सा समय निकालना है और वीडियो को अंत तक देखना है, बिना स्किप किए, बिना ध्यान इधर उधर भटकाए। लेकिन उससे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त सबसे पहले वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी लिखेगा, उनके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे, इस बात की तो फुल गारंटी है, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सुंदर अनमोल विचार, जो कि आने वाले अगले 3 दिनों में बहुत काम आएगा। दोस्तों, हमारे गुरु जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कहने का तात्पर्य है कि दुख के समय भगवान को सभी याद करते हैं, पर सुख के समय कोई याद नहीं करता। अगर दुख में भी और सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो जीवन में दुख होए ही क्यों। जीवन में दुख हो या सुख, भगवान को दिन में एक बार जरूर याद करना है, क्योंकि उसी ने बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है। बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे, जय हो सांवरिया सेठ की। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले 3 दिनों में कौन कौन से 3 चीजों से मुंह मोड़ना पड़ सकता है। दोस्तों, यह समय अपरिचित लोगों के साथ मिलते जुलते समय थोड़ी सावधानी बरतें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसा आने के साथ साथ खर्चे की भी स्थिति बनी रहेगी, इसलिए अपना उचित बजट बनाकर चलें। भूमि संबंधित खरीद परोक्त के कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकती हैं। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दिन सकारात्मक रहेगा तथा आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजनाएं बनेगी तथा पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, अपनी व्यक्तिगत गतिविधियां किसी के भी साक्ष जाहिर ना करें। अगर आपके कोई पर्सनल बात है, कोई पर्सनल कार्य है, तो आप किसी को भी इस समय ना बताएं, अन्यथा दोस्तों इनका कोई गलत फायदा उठा सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके लिए कोई परेशानी खड़ी भी हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य के नकारात्मक व्यवहार से तनाव रहेगा, परंतु डांट फटकार की बजाय दोस्ताना व्यवहार रखकर उसे समझाने का प्रयास करें और अपने बच्चों के साथ कुछ समय आपको व्यतीत करना होगा और उनकी भावनाओं को समझना होगा, वो क्या कहना चाहती हैं और क्या लाइफ में करना चाहती हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसे अपने भरोसे छोड़ देते हैं, जिनका दोस्तों आपके लिए दिक्कत हो सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, बेहतरीन समय व्यतीत होगा और महिलाएं अपनी प्रतिभा और क्षमता द्वारा कोई खास मुलाकात हासिल करने में सक्षम रहेंगी और राजनीतिक संपर्क आपके कुछ शुभ अवसर प्रदान करेंगे। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है तो आज उनका समाधान भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि कोई बीती हुई नकारात्मक बात आपका आज भी खराब कर सकता है। आपको दोस्तों बेहतर होगा कि पुरानी बातों को कभी भी याद नहीं करना है, अन्यथा दिक्कत होगा और आपकी जो है घटनाएं ताज़ा भी कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें तथा खुद को व्यस्त रखें और अपने कामों में ही आपको अपना ध्यान फोकस करना है।
देखिए विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और अधिक पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लापरवाही ना करें और अपने कैरियर अपने भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ कोई समझौता आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको आने वाले दिनों में परेशानी होगा। अभी तो आपके लिए सब कुछ अच्छा लगेगा लेकिन आने वाला जो भविष्य है आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। आपकी लगन और हिम्मत से कोई भी मुकाम हासिल करने में आप जो है सक्षम रहेंगे तथा अनुभवी लोगों के सानिध्य में कोई बेहतरीन बातें भी सीखने को मिलेगा। इसलिए कभी कभी बड़े बुजुर्गों के साथ भी रहने की कोशिश करें, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका जीवन जीने का नज़रिया ही पूरी तरह से बदल जाएगा। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी, कोई नज़दीकी यात्रा भी इस समय संभव है। सितारे कहते हैं इस समय आपको यात्रा करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों यात्रा के दौरान आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा और खासकर अपने सामानों का अधिक से अधिक आपको देखभाल करना है, नहीं तो दोस्तों आपका सामान की चोरी या फिर कहीं रख कर भूल सकते हैं जो कि बाद में आपके लिए परेशानी हो सकता है। आए कभी कोई नया साधन भी बनेगा लेकिन आपको जो है उसके लिए पूरा एक्टिव रहना होगा, पूरी तरह से तैयार रहना होगा। व्यस्तम दिनचर्या रहेगी परंतु अपनी योजनाओं को और गतिविधियों की चर्चा किसी के भी सामने इस समय नहीं करें। ध्यान रखें कि गुस्से की वजह से परिस्थितियां बिगड़ भी सकती है, समय अनुसार व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। थकान व आलस्य की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम छूट भी सकता है, इसलिए कभी कभी आपको आराम करना है, खुद को उतना तनाव नहीं देना है और काम के साथ साथ आराम करना जरूरी है। व्यवसाय में नए अनुबंध हासिल होंगे और कई शुभ अवसर सामने आएंगे। पब्लिक रीडिंग से संबंधित कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ऑनलाइन कामों को इस समय ज़्यादा करने की कोशिश करें क्योंकि इस समय उसमें आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है। आय का कोई नया साधन बनने से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। नौकरी पैसा व्यक्तियों को अचानक ही कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खुशी के मारे आप जो है सर पागल रहेंगे और अपनी योजनाओं को किसी से आप जाहिर कर सकती हैं बता सकती हैं जो कि दोस्तों अड़ोसी पड़ोसी आपकी खुशियां छीन सकता है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। और लव लाइफ को लेकर बात करें तो वैवाहिक संबंध है तो एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें, इससे आपसी नज़दीकियाँ बढ़ेगी। प्रेम संबंध भी भावुकतापूर्ण रहेंगे लेकिन आपको एक दूसरे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, फीलिंग को समझना है। आपकी लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें अभी बढ़ सकती हैं, अपना ध्यान रखें, योग और व्यायाम को भी अपने दिनचर्या में शामिल करें तो दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये आपकी हेल्थ ये आपके स्वास्थ्य